हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर आज की डेट में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2022-23 के यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की डेट भी आ चुकी है। कब से फॉर्म फिल होंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप देने को लेकर आज डेट में सबसे बड़ी खबर, सेकंड किस्त क्या आएगी, क्या आप लोगों का बजट पास हुआ है 100%, और स्टेटस भी अपडेट हुआ है। काफी बच्चों का मैं देख रहा हूँ स्टेटस भी अपडेट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या आपका स्टेटस अपडेट हुआ है। किन बच्चों की आएगी वो भी बताने वाले हैं। जो पहली बार आए जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को स्किप ना करें, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि मैं टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट दे सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस न्यूज के बारे में। देख सकते हो आप लोग 91,000 छात्राओं की स्कॉलरशिप फंस चुकी है। आज की डेट में ही आया हुआ है, रविवार के लिए आज की डेट में नकल से खबर प्रकाशित की गई है। इसमें हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। इन्होंने बताया है, देख सकते हो आप लोग, इन्होंने बताया है समाज कल्याण विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार ने भुगतान की जो तिथि बढ़ाकर 30 मई कर दी है। इन छात्रों का भुगतान अब देखिए खाते में जो पैसा है आप लोगों का अब 30 मई तक आ पाएगा। आप यहां पर देख सकते हो उसमें बताया जा रहा है कि इन छात्रों का जो बैंक अगर खाते में सबको बैंक ठीक है, कोई भी समाधान निकलने की उम्मीद नहीं, ताकि उम्मीद है ताकि इन छात्रों की जो आर्थिक स्थिति में दिक्कतों का सामना करना ना पड़े और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये बच्चों देख सकते हो नतीजन यहाँ पर खाते में नहीं जाता बहुत से बच्चों को। कुल यहाँ पर देखिए इन छात्रों को कुल 200 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। 200 करोड़ रुपए का नया बजट जारी किया है यूपी गवर्नमेंट ने। बिल्कुल आप लोगों का नया बजट आ चुका है, आप लोग यहां पर खुद देख सकते हो, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पर देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है, ऐसे छात्र हैं इनके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है और ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप 30 मई तक आ जाएगी। अब इसका मतलब तो यही लग रहा है कि सेकेंड किस्त भी आएगी, तो इंतजार करो आप लोगों की सेकेंड किस्त भी आएगी 30 मई तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है खाते में अगर कमी है तो आप लोगों अपना खाता सही करा ले, नहीं बाद में कहो हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास 2022-23 का भी नोटिस आ चुका है, वो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। जिसका 60% केंद्र सरकार देती है आपको पता होगा, ठीक है, और भुगतान नहीं हो पा रहा है आपको पता होगा, किसी की बैंक खराब है तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही। कहने का मतलब 30 मई तक आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जाएगी और नया बजट आ गया 200 करोड़ रुपए का। इसके बीच हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे 2022-23 के, तो वो भी बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आज की डेट में निकल के आ रहा है छात्रवृत्ति फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं, समाज कल्याण विभाग पहुंचे छात्र। देखिए विभागीय छात्रवृत्ति नहीं मिली तो पढ़ाई छूट जाएगी ऐसे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लो आपकी स्कॉलरशिप 30 मई तक आ जाएगी, ऐसा खुद योगी जी ने बताया है। इसमें देखिए बताया जा रहा है बरेली के करोड़ छात्रों को झटका लग गया, और बरेली के करोड़ छात्र हैं वो जाकर समाज कल्याण विभाग गए तो वहां पर उन्होंने बातचीत की। तो कहने का मतलब इस तरीके की न्यूज निकल के आई है। उसके बाद देखिए जिन बच्चों का वेरीफाइड है सब कुछ स्टेटस इस तरीके का शो कर रहा है, उनका पैसा 100% उनके अकाउंट में आ जाएगा और बहुत से बच्चों का अपडेट भी हो रहा है स्टेटस, तो आप लोग चेक करते रहो। उसके बाद हम बात करेंगे काफी बच्चों के पास इस तरीके से मैसेज आ रहा है स्कॉलरशिप को लेकर, तो ये आपको पता है रिन्यूअल के लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 मई से भरे जाएंगे छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, देख सकते हो 18 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। 10 मई से 31 मई तक ये डाटाबेस रहेगा, 18 मई से 1 जुलाई तक है ना बीच ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 2022-23 के नए बैच के लिए स्कॉलरशिप के, और 11 अगस्त तक जहीं पर इसको लॉग इन करेगा। और हम बता रहे जो आप दोस्तों दसवें छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति की समय सारणी शुक्रवार को जारी कर दी गई है, और पूरी समय सारणी में आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो हमारे पास ये ऑफिशियल सर्कुलर है समाज कल्याण विभाग से, ऑफिशियल नकलों की तरफ से जारी किया गया है 2 मई के लिए। यहाँ पर देखते हो इसमें बता जा रहा है कि आप लोगों का जो 2022-23 के लिए एग्जाम जो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिर होना स्टार्ट कब से होंगे, तो मैंने बता दिया है कब से स्टार्ट होंगे। ऑफिशियल सर्कुलर आप देख सकते हो 5 मई से लेकर 6 जून तक ये डाटा बेस तैयार कराए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ये पूरा नोटिस आपको दिखता होगा स्क्रीन पर,
है ना। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फीडिंग के संबंध में जो बात की गई है, और 2022-23 के देखिए 7 जून से 15, यह सब कुछ आप देख सकते हो, पूरा पूरा ऑफिशियली सर्कुलर है ये, नकलू ने जारी किया है DW ने। इसमें बताया जा रहा है देखिए जो आप लोगों के जो फॉर्म सत्यापित ऑनलाइन करने की तिथि है 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच आपके नोडल अधिकारी इसको सत्यापित करेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग 11-12 और अन्य दशमोत्तर नवीनीकरण के छात्र छात्रा को देखिए ऑनलाइन जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 10 मई से लेकर 7 जुलाई तक भरे जाएंगे, ऑफिशियल नोटिस में ऐसा बताया जा रहा है। और आप लोगों का जो करेक्शन होगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर प्रिंट आउट निकालने के 3 दिन बाद ऐसा बताया जाता है, आप सभी पता होगा। उसके बाद देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जिला स्तरीय से जो आप लोगों का 3 अगस्त 2022 तक ये होगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये चीज है ना, जनपद स्तरीय 14 अगस्त तक आप लोगों का जो PFMS प्रणाली के अंतर्गत जो बैंकों में पैसा आएगा 14 अगस्त 2022 तक आपका पैसा आ जाएगा, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म 2022-23 के लिए फिल करते हो। डेट कब है, 10 मई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं और जुलाई तक भरे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कहने का मतलब ये बच्चों, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना शुरू हो गया, अगर आप फॉर्म लेट भरोगे तो आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो लेट आएगी, 28 दिसंबर तक आएगी, 2022-23 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बच्चों, हर जगह का स्कॉलरशिप का फॉर्म 2022-23 के लिए आ चुका है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो। 10 मई से ये ऑफिशियल सर्कुलर है, ठीक है, 10 मई से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो 7 जुलाई तक, है ना, ये फर्स्ट चरण है 11वीं 12वीं के लिए। तो कहने का मतलब ये, इस तरीके की अपडेट निकल के आई थी यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। और बच्चों जो भी आपके क्वेश्चंस आप हमसे पुट अप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और ये नोटिस है मैं टेलीग्राम पर देने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं दे दूं, हो सकता है आप वीडियो को ही स्क्रीन शॉट ले लो, है ना, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि स्क्रीन शॉट आप यहीं पर ले लीजिएगा। आप लोगों की स्कॉलरशिप 30 मई तक आ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, सेकंड किस्त तो आप लोगों की आएगी, टेंशन ना लो, बजट पास हो गया, मैंने आपको दिखाई दिया है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।